आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। 3 अक्टूबर 2015 फजर का वक्त 5 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और मोर जो ख़ास तौर से नमाज के लिए उठाता रहा है मुझे लेकिन बग़ैर किसी आवाज़ के, वो ख़ुद आवाज़ करता रहा है। और अल्लाह ताला ने मोर को इसीलिए चुना है अल्लाह की गवाही के लिए, अल्लाह के रसूल की गवाही के लिए। ये दावतुलर्स निकला, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ाद यानी जमात अहमदिया के मुताबिक दावतुलर्स टाउन का कीड़ा यानी प्लेक्स के जेम्स निकले हैं, जो क्योंकि वो इफ़लास था और वो बात वही हुई, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर दिया। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रैक्स हैं पीछे। अल्लाहु अकबर, दो गवाही अल्लाह के हुक्म से। मैं जितने बार पुकारूं उतने बार इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एक बार मैं पुकार चुका हूं और एक बार पुकारता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, दो अल्हम्दुलिल्लाह, दो बार पुकारा। जैसे मैंने दो बार पुकारा और ये भी दो बार रिस्पॉन्ड किया। देखिए सूरह अनमल आयत नंबर 82, पारा नंबर 20, रुकू नंबर 6, अगर आप चारों का टोटल करके देखें इनका, तो टोटल निकलता है 135, जिसका टोटल होता है 9, समझे आप। और फिर पारा नंबर 19, रुकू नंबर 2, आयत नंबर 16, इसका टोटल आप करके देखें तो 64 होता है, इसका मतलब टोटल होता है 10, मतलब 1, ये 1 मिलाइए और इधर से आप 9, दोनों को मिलाइए 10 का मतलब इज इक्वल टू 10 होता है, 10 मतलब यानी फिर उसको कम करेंगे तो 1, तो पता चला है दोनों मामले एक हैं। और बिहारुल अनवार में जो जिक्र आया है परिंदे का, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बैत करेंगे महदी अलैहिस्सलाम की परिंदे की शक्ल में, वो परिंदा यही निकला दावतुल अर्स, पीकॉक बर्ड। पहले अल्लाह ताला इसके अंदर अल्लाह ताला पहले गवाही देते हैं कि हुदहुद बात करता है, वो अपनी ज़बान में बात करता है। फिर अल्लाह ताला एक इल्म देता है सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जो वो इल्म होता है। तो जो दावतुल अर्ज़ निकल के जो कलाम करने वाला था वो अपनी ही ज़बान में कलाम करेगा, अपनी ही ज़बान में बात करेगा इंसानों से। आप पूरे सूरह अनमल को उठाकर अगर देख लें तो पहले अल्लाह ताला वजाहत करते हैं कि परिंदे अपनी ज़बान में बात करते हैं, दावतुल अर्ज़ अपनी ज़बान में बात करेगा और वह ख़ुरब क़यामत निकलेगा। तो इसके अंदर इसका राज यहाँ पर ज़ाहिर होता है। तो ये निकला है पीकॉक, हालांकि हमेशा से रहा है ये, लेकिन अब कलाम करके ज़ाहिर हुआ है ख़ुरब क़यामत, अल्लाह ताला के वादे पूरे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात साबित हो गई अल्लाह के हुक्म से कि दावतुल अर्ज़ पीकॉक बर्ड है, समझ रहे हैं आप। तो इसका डिस्क्रिप्शन नीचे पढ़ना डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगी बात। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलिल्लाह। याद रखिए मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादी यानी जमात अहमदिया है, और मैं असली मसीह ईसा महदी अलैहिस्सलाम बन के पैदा हुआ हूँ, और मैं रसूल हूँ यानी भेजा गया हूँ अल्लाह का, और भेजे गए को भी मैं रसूल कहते हैं, और रसूल क्या मतलब भेजा गया। और मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, याद रखें। मुझे नबी ना कहें, और मैं अल्लाह का बंदा हूँ और ग़लबे इस्लाम के लिए आया हूँ, आप ही के फेवर के लिए आया हूँ, आप ही को बचाने के लिए आया हूँ जहन्नुम से, क्योंकि अल्लाह का वादा पूरा है, क़यामत होने वाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।